नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर आवास मोर अधिकार प्रदेश व्यापी अभियान को जमीनी स्तर पर तीव्र करते हुए आज आवासहीनों का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व वरिष्ठ IAS गणेश शंकर मिश्रा ने इस कार्यक्रम के बारे में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी द्वारा आरंग में अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जो 24 घंटे तक चलेगा और 24 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 25 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसमें रायपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों का जमावड़ा होगा, जो कांग्रेस सरकार द्वारा स्वयं को PM आवास योजना के लाभ से वंचित रखने के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस और आवासहीनों के अधिवेशन में यही अंतर होगा कि एक ओर तामझाम और सुख सुविधा के साथ पिकनिक का माहौल होगा तो दूसरी तरफ अपने मूल अधिकार के लिए ग्रामीण गरीबों की गुहार होगी। मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने आवासहीनों के अधिवेशन के लिए रायपुर जिला प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन शहर में इसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण यह आरंग में आयोजित किया जा रहा है। हमारी यदि गवर्नमेंट आएगी तो पहला जैसे आदेश होगा कैबिनेट में वो ये होगा कि सारे आवासों को आवास प्रदान किया जाए। कोई कुछ नहीं, हमारे पास तो लिस्ट और हम ये बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड चैलेंज लिस्ट है ना, उससे से गुजर चुके हैं, उसमें कहीं कोई उनका करीब होने पे आवास न होने पे कहीं कोई संदेह नहीं है। बल्कि आप सभी ये परमानेंट वेटिंग लिस्ट बोलते हैं PWL, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भेजा है वो परमानेंट वेटिंग लिस्ट। अब उसकी बात को ना करके ये नई नई बात करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गुमराह करते हैं और टेक्निकलिटी जो बुझाते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।